दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार झा आज मैं एक दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया होम्योपैथी से किस तरीके से ठीक किया जा सकता है आसानी से। एलोपैथी में चिकनगुनिया का बहुत ही अच्छा इलाज नहीं है। चिकनगुनिया से लोग आप बहुत परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। 15 15 20 20 दिन दवाई खाने पर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, और होम्योपैथी की मदद लेने से बहुत जल्दी वह चिकनगुनिया ठीक हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में चिकनगुनिया होम्योपैथी से ठीक कैसे किया जा सकता है घर पर बैठ करके ही आपको बताने जा रहा हूँ। चिकनगुनिया का दूसरा नाम एगू है, यानी कि इंटरमिटेंट फीवर भी कहते हैं। यह ठंड के साथ चकत्ते के साथ में आता है। चिकनगुनिया के लक्षण बता रहा हूँ। चिकनगुनिया में बुखार जो है 102 से 104 तक पहुँच जाता है। शरीर में टूटर रहती है, जी मिचलाता रहता है, उल्टियाँ भी आती हैं, घबराहट होती है, और ठंड के साथ में ये बुखार आता है। यह बुखार शरीर में इतने जोड़ों में दर्द कर देता है कि आदमी पर चलने से भी परेशान हो जाता है, और कलाई और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। चिकनगुनिया के कारण कारण ये एक मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसका नाम एडीज है। यह वही मच्छर है एडीज, जिससे कि डेंगू और जीका वायरस भी फैलता है। होम्योपैथी में यह रोग वायरस से होने के कारण एंटीबायोटिक के द्वारा बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। मरीजों को एंटीबायोटिक बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, इसलिए इस रोग की महामारी ज़्यादा फैल जाती है। एलोपैथिक डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर पाते हैं, और होम्योपैथी में इसका समुचित अच्छा इलाज है। शरीर में जो जोड़ों का दर्द रह जाता है, वह भी एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों से नहीं जाता है। चिकनगुनिया के साथ में परहेज भी रखना है। ठंडा पानी, ठंडी चीजें, चावल, दही, कोल्ड ड्रिंक्स की चीजें शाम के टाइम पर बिल्कुल नहीं खाना है। गर्म पानी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पिए, और होम्योपैथी दवाइयाँ साथ में लेते रहें तो यह जड़ से ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक इलाज दोस्तों, मैं आपको चिकनगुनिया का एक ऐसा स्पेसिफिक पेटेंट इलाज बता रहा हूँ, जो कि आप अपने घर पर बैठ करके इसको करें तो ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं, इनको मैं आपको इसको खोल रहा हूँ, इसके रहस्य को खोल रहा हूँ। उसे आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इसे मंगा करके आप अपने घर पर रख लें। दवाई का नाम है पॉलीपोरस पैनिकोला, 200 नंबर की। यह दवा ला करके एक एक डोज रोजाना सुबह 2 बूंद के मात्रा में इसको लेते रहें तो आपका उल्टी, जोड़ों में दर्द और ठंड लग करके आने वाला जो चिकनगुनिया बुखार है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपके एलोपैथिक के द्वारा भी अगर कहीं जोड़ों में दर्द बाकी रह जाता है, उसके लिए भी होम्योपैथी में एक अचूक दवा है, जिसका नाम है कालीम्यूर वनम। कालीम्यूर वनम की एक डोज लेने से ही पूरे जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है। इंडिविलाइजेशन के द्वारा भी होम्योपैथी पर कमांड पाया जा सकता है। वो दवाइयाँ कुछ मैं आपको एक एक दो दो लक्षणों के साथ बता रहा हूँ। वो अपनी उचित जैसी दवाई आपको लगे वैसे ही उस दवा को लेकर के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। जो मैंने स्पेसिफिक दवाई बताई है, उससे अगर आपको आराम न मिले तो ही लें, अन्यथा उसी से आराम मिल जाएगा। सबसे पहले मैं दवाई का नाम लूंगा यूपीटोरियम पर्फ, 200 नंबर में, जो कि 5 5 गोलियों में 3 बार खाएं तो आपका जोड़ों का दर्द, बुखार सभी चला जाएगा। एक ही मेडिसिन लें, ज्यादा दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी के साथ इस दवा को मिक्स करें। अगर आपके हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द अधिक है और बेचैनी अधिक दिखाई दे रही है, और वो जोड़ों का दर्द चलने फिरने से अगर आराम मिलता है, तो दवाई बनेगी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 200 की 5 5 गोलियां केमिस्ट से बनवा कर घर ले आए और 3 बार खाएं, तो
तो यह बुखार 2 या 3 दिन में ही चला जाता है और दर्द भी बाकी नहीं बचेगा। अगर बुखार में ऐसा देखें कि सुस्त मरीज सुस्त है और होठों पर पपड़ी जमी हुई है और शरीर के अंदर दुर्गंध जैसी आ रही है, लैट्रिन में भी बदबू और मुंह से भी बदबू आ रही है, तो ब्रायोनिया 30 नंबर और ब्रेप्टिसिया 30 नंबर अगर बदल बदल कर दें तो यह बुखार संपूर्ण रूप से ठीक हो जा सकता है। यदि मरीज को बुखार ठंड देकर आता है, एक ही समय पर आता है, अगर बुखार 1 बजे दिन में या 1 बजे रात में आता है और अधिक ठंड लगती है, पल पल पर प्यास लगती है और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है और सिकाई से और कपड़े ओढ़ने से उनको उसको आराम मिलता है, तो दवाई बनती है आर्सेनिकम 200। इसकी 5-5 गोलियां, मीठी गोलियां लाकर केमिस्ट से खा लेने से 2 दिन में ही बुखार ठीक हो जाएगा। यदि मरीज बताता है कि बुखार रात में आता है, ठंड लग करके आता है, शाम को बुखार चढ़ाता है, सुबह उतरता है, पूरा शरीर गर्म और तपता रहता है, तलवों से जलन निकलती है, तेज बुखार के साथ में प्यास, बहुत सारे पानी की एक बार में ही खूब सारा पानी पी जाता है, तो दवा बनेगी सल्फर 200, एक खुराक से ही बुखार ठीक हो जाएगा। यदि बुखार में सिरदर्द अधिक होता है और आपकी कनपटियों कनपटियों में तपकन महसूस ज्यादा होती है, लाल आंखें हैं और बेचैनी अधिक है, तो दवा बनती है बेलाडोना 30 में। बेलाडोना 30 की 5-5 गोलियां 3 बार लगातार लेने से बुखार और सिरदर्द चला जाएगा। यदि बुखार के अंदर मिचली अधिक है, लार ज्यादा मुंह में आ रही है, उल्टी जैसी उकाई जैसी आती रहती है, तो दवा होगी इपीकॉक। इपीकॉक में एक बात और देख लेनी चाहिए कि जीभ साफ रहती है, ज्यादा गंदी नहीं होती है और हमेशा जीभ मिचलाता रहता है, तो दवाई इपीकॉक 200 में देने से 3 बार देने से यह ठीक हो जाता है। अगर बुखार किसी फिक्स समय पर आता है, फिक्स टाइम से बुखार ठंड दे करके आता है और बुखार जो है नॉर्मल बीच में हो जाता है और फिक्स टाइम पर ही ठंड देकर बुखार आता है, तो एक डोज चाइना 200 में दे करके भी देख लेना चाहिए। बायोकेमिक मिक्सचर से भी हम यहाँ पर मदद ले सकते हैं। इसमें दवाइयाँ होंगी फेरमफास 6X में, कालीम्यूर 6X में, नेट्रिमूर 6X में, मैगफॉस 6X में। इन चारों दवाओं को पीस करके एक दो दो ग्रेन के बराबर अगर गर्म पानी से लिया जाए, तब भी बुखार हमारा बहुत ही आराम से ठीक हो जाता है और आराम मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजें, शेयर करें और लाइक करें। लाइक कमेंट शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब प्लीज।